हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, राम राम। एक बार स्टार्ट से कर दो। राम राम गुजर, राम राज गुजर, मोहनलाल रानीवाल, इंजीनियर मुनेश कुमार और मुनेश कुमार खम्मा गणी, रश्मि काला सैनी, रितु चौधरी, राकेश शर्मा, मुनेश कुमार, संगीत औला, सोनल, डब्बू धीनवाल, खम्मा गणी, राम राम, नमस्ते सभी को। जो भी है आपके स्थानीय भाषा में हो, चाहे अपनी बोलचाल की भाषा में हो, खम्मा गणी, राम राम, सुप्रभात, जो कुछ भी है। सागर चौधरी कह रहा है गुरु जी को चरण स्पर्श, आशीर्वाद है भैया। सागर चौधरी, खुश रहो, जीवन में सफलताएं प्राप्त करो, जो आपको चाहिए वो सब मिले, ये सभी को आशीर्वाद है हमारी तरफ से। एक बार सभी इसको शेयर कर दो फटाफट, जिन लोगों को मालूम नहीं है वो लोग जुड़ जाएं अपने साथ, या जो लेट हो रहे हैं, जिनकी आदत ही खराब है लेट आने की, वो आते रहें। सुमित्रा चौधरी, राम राम गजनी सर, राम राम सुमित्रा। प्रेरणा कुमावत, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र यादव, जय हिंद। राकेश, गुड मॉर्निंग। रेखा चौधरी, नमस्ते। विशाल बोरा, नमस्ते। नरेश मीना, राम राम। विजय सोरण, राम राम भैया। उगमा राम ऑफिशियल, राम राम सर, राम राम भैया, आपको भी बहुत बहुत राम राम। मुनेश कुमार, खम्मा घणी गुरुदेव, खम्मा घणी भाई। मुनेश कुमार चार बार नाम बोल चुका हूँ भाई मेरे, और पड़ोसी वैसे है यार तू तो। राजेश कुमार सामोता, राम राम। सुनेश कुमार, राम राम। सुनेश मुनेश दोनों भाई आ गए हैं। सागर चौधरी, थैंक यू, वेलकम भैया। सर टाइम से पहले पहुंच जाते हैं हम तो, मैं भी टाइम पे ही आ जाता हूं, बिल्कुल भी कुछ भी देर नहीं करता हूं, बस ये टेक्निकल टीम की वजह से जो दो चार मिनट लगती हैं वो जरूर लगती है, नहीं मैं बिल्कुल भी देर नहीं करता हूं। मन्नू मुंद, गुड मॉर्निंग, आज तो टाइम से आगा, बिल्कुल टाइम से है एकदम। संदीप शर्मा, राम राम भैया। बावली आरजे की कोड गई आज, जा बेगी सिख, क्या लिख रही है सुमित्रा? बावली आरजे कोड गई आजा बेगी सी, अच्छा आरजे को ढूंढ रही है क्या? राम राम जी गुरुजी। चेतन यादव, राम राम, कैसे हो? एकदम मस्त हूँ भैया चेतन, आप बताइए कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग सर। राजकिशोर टेलर, जय हिंद धांसू सर जी, वेरी गुड। भोर सिंह बसेड़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आपका काम होता है सबसे पहले आते ही एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जो कुछ भी है उन सब को शेयर कर दिया करो, ताकि और लोगों को भी जिनको अभी तक मालूम नहीं है उन लोगों को भी पता चल जाए और वो जुड़ जाए। एक छोरी ने बुलाऊं छू, सुमित्रा बुला ले छोरी ने कौन छे वो। प्रीति चौधरी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सौरभ शर्मा, अरे वाह सौरभ आज आ गया क्या धौलपुर, जय श्री राम। सौरभ को आज पहली बार देख रहा हूँ मैं कमेंट्स बॉक्स के अंतर्गत। बस ठीक सर, स्कूल हूँ, वेरी गुड। चेतन, स्कूल ओपन हो गए हैं 24 तारीख से चेतन। नरेश मीणा, चलो हाइड्रोजन के बारे में भी थोड़ी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल करेंगे, हाइड्रोजन के बारे में भी बातें, कैसे उसका निर्माण होता है ये सब बातें करेंगे। सर मैंने 3 से 4 बार कर दिया, बिल्कुल कर दो एक बार। गुड मॉर्निंग सर। चलिए टॉपिक पे आते हैं अपन। हमारा टॉपिक जो चल रहा था, सबको मालूम है टॉपिक क्या चल रहा था, फिर भी मैं एक बार उसका नाम लिख देता हूँ। टॉपिक था हमारा हाइड्रोकार्बन, ये हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक के बारे में हम बातें कर रहे थे कल कि हाइड्रोकार्बन, तो इसकी डेफिनेशन की बातें की थी कल हमने, और कल हमने इसके क्लासिफिकेशन, इसके वर्गीकरण के बारे में बात की थी कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं और उनके एग्जांपल्स की बात की थी। ठीक है सर, डागुर का टेलीग्राम ऐप नहीं बना क्या अभी? हाँ थोड़ा सा समय लग रहा है सुनेश टेलीग्राम ऐप बनने में, बनते ही आपको तो सूचना मिल जाएगी और आपको ये PDF भी मिलने लग जाएंगी। एक प्रॉब्लम होती है कि हम जब खुद का टेलीग्राम चैनल बनाते हैं उसमें कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक होता है ब्रॉडकास्ट टेलीग्राम चैनल जिसके अंतर्गत सभी चीजों को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। बिल्कुल सर, बिना बच्चों के बैठा हूं स्कूल में। हाँ चेतन, अभी तो बिना बच्चों के बैठा रहना पड़ेगा यार, हम भी बिना बच्चों के ही इस तरीके से पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो जो फ्लो होना चाहिए आप लोगों को चेहरे को देखकर, जो खुशी हमें को मिलती थी, जो उत्साह हमारे अंदर आता था,
जो जोश हमारे अंदर आता था वो अभी नहीं है। है जरूर, पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के साथ कमेंट्स के द्वारा जुड़े हुए हैं, लेकिन एक डायरेक्टली फेस को देखकर, एक डायरेक्टली आप लोगों के चेहरे पे जो उत्साह होता था उसको देखकर हमारे अंदर जो जोश आता था वो बात अलग ही थी, वो अब नहीं है यहाँ पे। इंदु बाला गुड मॉर्निंग, काफी दिनों में आइए इंदु बाला, बीच में गायब हो गई थी। चलिए तो अपन चलते हैं। तो अपन बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन की, कल इसकी डेफिनेशन की मैंने बात की थी, एक बार दो मिनट में मैं इसको रिपीट कर देता हूं, कल जो पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जब कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकता हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करता है तो हमने उसे नाम दिया था हाइड्रोकार्बन। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दी थी कि हाइड्रोजन और उसको हाइड्रोजन को और अच्छा प्रेरणा हंस क्यों रही है इसमें, फिस को फेस को देखकर खुशी, तो फेस को देखकर ही खुशी मिलती थी हम लोगों को, तो आप लोग जब बैठे रहते थे आपके चेहरों पे जो भाव होते थे उनको देखकर हमारे अंदर भी खुशी होती थी। तो कार्बन परमाणु जब अपनी संयोजकता को या कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो बनने वाले यौगिकों को हमने हाइड्रोकार्बन नाम दिया था। आगे सोनल खानो खाकर, हाँ सोनल आ गई खानो खाकर, सोनल चौधरी जी सर बिल्कुल सर, सासरे आ गई तो लाइव का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा इंदु बाला सासरे पहुंच गई क्या, चलो ठीक है, गोरीर पहुंच गई है इंदु बाला इसका मतलब है ना, चलो ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अपन कि ये जो हाइड्रोकार्बन था इसका वर्गीकरण हमने दो प्रकार से किया था। एक वो था जिसके अंतर्गत सीधी श्रृंखला पाई जाती थी, यानी कि दो सिरे स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे, उनको नाम दिया था ओपन चेन कंपाउंड, उनको हम एलीसाइक्लिक के नाम से भी जानते थे। दूसरे जिनके अंतर्गत श्रृंखलाएं पाई जाती थी, यानी कि उसमें कार्बन के स्पष्ट सिरे हमें दिखाई नहीं देते थे, उन्हें हम कहते थे चक्रीय हाइड्रोकार्बन या सेवरत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, उन्हें नाम दिया जाता था। ठीक है, उसके पश्चात इनके वर्गीकरण में भी हमने दो दो बातें की थी कि एलीसाइक्लिक जो होते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा था। एक होता था जिसके अंतर्गत सभी बंध एकल पाए जाते हैं, जिसको हमने नाम दिया था एल्केन। एक होता था जिसके अंतर्गत डबल बोंड या ट्रिपल बोंड पाया जाता था, उसको हमने नाम दिया था असंतृप्त, और उन्हें कहा था एल्कीन या एल्काइन के नाम से जाना था। फिर हमने बात की थी सेवरण श्रृंखला यौगिक की, जो चक्रीय होते थे, क्लोज चेन कंपाउंड जो होते थे, और उनके अंतर्गत भी हमने दो भागों में बांटा था। एक वो थे जिसके अंतर्गत केवल कार्बन की ही श्रृंखला होती है, उसे नाम दिया था समचक्रीय होमोसाइक्लिक। एक वो जिसके अंतर्गत कार्बन के साथ अन्य परमाणु भी जुड़ा होता है, उसे नाम दिया था विषम चक्रीय हेट्रोसाइक्लिक। जैसे एग्जाम्पल भी लिखे थे हमने, फ्यूरेन लिखा था, पायरो लिखा था, ये सब लिखा था। राहुल सिंह टारगेट चरण स्पर्श रोटी जीमो तो तैयार है, दाल बाटी चूरमो और खट्टी छा, वेरी गुड, वाह क्या बात है, चूरमा के साथ खट्टी छाए जो होती है उसको खाने में आनंद ही कुछ अलग होते हैं। पदमवीर सिंह ढिल्लन नमस्ते, अरे गुरुजी लाइक करो शेयर करो क्लास को, नमस्कार। राम राम राजेश जी ट्रिक, राम राम बहुत बहुत नामदेव प्रवीण जांगू जी। तो देखिए आज हम केवल जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन में भी कौन से की एलीसाइक्लिक जो थे जिनको हमने नाम दिया था अचक्रीय, आज केवल इनकी बात करेंगे। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिनको नाम दिया जाता है, केवल हम आज इन्हीं की बात करने वाले हैं। तो ये है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एलीसाइक्लिक के नाम से इनको जाना जाता है। और कल दोस्तों मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक को हमने नाम दिया था संतृप्त और एक को नाम दिया था असंतृप्त। ये दो प्रकार के होते थे, इनके अंतर्गत भी संतृप्त में कौन आता था, संतृप्त में एक आता था जिसका नाम था एल्केन, लेकिन कुछ और भी होते हैं जो मैं आज बताने वाला हूं। एक असंतृप्त में दो आते थे, एल्कीन और एल्काइन, लेकिन इनके अलावा भी और पाए जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य सी बातें होती हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं, तो याद करो आप अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये निम्न प्रकार के होते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो निम्न प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जिसको हम नाम देते हैं
एल केन, इनको कॉमन रूप से लिख रहा हूं मैं कौन कौन से होते हैं एल केन। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एल केन। किसको कहते हैं हम एल्केन? जिसके अंतर्गत एकल बंध उपस्थित होता है, सिंगल बोन जिसमें पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं एल्केन। तो एक तो होता है एल्केन, ठीक है। उसके पश्चात दूसरा जो होता है उस दूसरे को हमने नाम दिया था एल्केन। दूसरे को क्या नाम देते हैं दोस्तों? दूसरे को नाम दिया जाता है एल्कीन, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं एल्कीन। और इसमें पाया जाता है द्विबंध। जिन्होंने 11 12 केमिस्ट्री में पढ़ी होगी या जिन्होंने 11 12 साइंस से बात की होगी, मैं उन सभी की बात करने वाला हूं आज। तो जो लोग इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि ये चीजें आपको हो सकता है पहली बार सुनने को मिल रही हो। राहुल तू ही आजा रे त्रिवेणी, सुमित्रा चौधरी त्रिवेणी पे रह रही हो इसका मतलब, चलो पता तो चला तुम त्रिवेणी पे रह रही हो। यूवी रो हाय प्रेरणा, आर यू फ्रॉम अलवर? हाँ भाई यूवी रो, मैं भी अलवर से ही हूं यार, मुझसे भी पूछ ले यार। अभिज्ञान में से नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे मांगाराम, अभिज्ञान के अंतर्गत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद त्रिवेणी में कोरोना फैल रहा है छोरे, त्रिवेणी में कोरोना नहीं है, मैं भी त्रिवेणी पे रहता हूं, ठीक है। तो एल्कीन जिसके अंतर्गत क्या पाया जाता है? द्विबंध पाया जाता है। और एक इसका एग्जाम्पल होता है एल्काइन। एक एग्जाम्पल कौन है इसका? एल्काइन। एक इसका एग्जाम्पल और है एल्काइन। और इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? इसमें पाया जाता है एक त्रिबंध। इनके अलावा अन्य जो होते हैं वो और भी होते हैं, और वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। अन्य कौन कौन से होते हैं? तो अन्य में अगर मैं बात करूं तो अन्य के अंतर्गत जो चौथा नंबर आएगा वो आता है एल्का डाई इन का नंबर आता है एल्का डाई इन। एल्का डाई इन को अंग्रेजी में एल्का डाई इन कहा जाता है। और दोस्तों इसका मतलब क्या है? तो यहां देखो, डाई एक शब्द आ रहा है और डाई का मतलब क्या है? दो। और इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब है डबल बॉन्ड, यानी कि यहां वे यौगिक हैं जिनके अंतर्गत दो द्विबंध पाए जाते हैं। अर्थात आप इसमें क्या लिखोगे कि इसमें द्विबंधों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें दो द्विबंध होते हैं, तो ये दो द्विबंध वाले होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शायद इनको कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे, बाकी जिन्होंने साइंस फैकल्टी से जिन्होंने 11 12th किए उन्होंने इनको पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ये ध्यान रखना। आप पढ़ाते हो तभी समझ आता है सर, और बाद में सब साफ हो जाता है। इंदुबाला ये केमिस्ट्री की विशेषता है कि अगर आप इसको दोबारा नहीं पढ़ोगे तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को अभी आप देखते जाओ, समझते जाओ, उसके पश्चात आप इसको 2-4-5 घंटे बाद या शाम को या दूसरे दिन इस वीडियो को आप जरूर देखें। और उस समय, अभी नहीं, उस समय देखते समय आप रजिस्टर और पेन को साथ रखें और उसे लिखते जाएं आप। जब लिखते जाएंगे तो आपके पास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और फिर दोबारा वीडियो को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी कुछ चीज में अटकते हो तो आप एक बार फिर वीडियो को देख लीजिए। ये विशेषता है साइंस की। साइंस आपसे रटने का सिद्धांत नहीं मांगता है कि आपको उसे रटना है। साइंस आपसे कहता है कि आपको रटना नहीं है, बस केवल आप उसको बार 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 क्या करनी है? रीडिंग लगानी है आप उसको। मैंने तो सर साइंस से किया, फिर भी आप पढ़ाते हो वो सब न्यू ही लगता है। इसका मतलब पहले 12th क्लास में तुमने पढ़ा नहीं था उसको, ध्यान से ये ध्यान रख लेना। एक हो गया कौन सा? तो एक हो गया एल्का डाई इन, जिसके अंतर्गत क्या पाए जाते हैं? दो द्विबंध पाए जाते हैं। और एक कौन सा होता है? तो 5th नंबर पे जो आता है वो होता है एल्का डाई आइन। एल्का डाई आइन इसके अंतर्गत आता है। और इसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? एल्का डाई
आइन इसको लिखा जाता है। अब इसमें क्या होगा, तो सेम बात है, देखो डाई का मतलब तो है दो, और आइन का मतलब क्या होता है, आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पर डाई का मतलब दो और आइन का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। शशि भूषण शर्मा, क्या बात है दोस्त, परफेक्ट बॉस लिखा हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, आज पहली बार आप मेरी लाइव क्लास के अंतर्गत आ रहे हो, बहुत बहुत मुबारक। उसके बाद एल्का डाई आइन, और इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं दो त्रिबंध, इसमें क्या उपस्थित होते हैं, दो त्रिबंध इसके अंतर्गत उपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें दो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो होता है छठे नंबर पे, और छठे नंबर पे इनको क्या नाम दिया जाता है, एल्कीनाइन नाम देते हैं इसको, इसको क्या नाम दे दिया जाता है, सिक्स नंबर पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीनाइन बोला जाता है इसको। देखो इसके नाम में क्या है, यहां अगर आप देखते हो तो एल्कीन, एल्कीन का मतलब ईन, और आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि इसमें ईन भी है और आइन भी है। सर साइंस से नहीं हूं लेकिन समय मिलने पर पढ़ती रहती हूं कि साइंस का भी ज्ञान रहे। तो सोनल आप हमें बताएं भी कि कैसा लगता है आपको ये क्लास। एच एस साइलेंट लवर, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी टक्कर में कोई नहीं है गुरुजी, आप तो यूट्यूब पर अनमोल रत्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको साइलेंट लवर इस कमेंट्स के लिए, आपको ऋणी रहूंगा मैं, आपका बहुत बहुत आभार है। सोनल सागी, जुल्म है, वेरी गुड। तो एल्कीनाइन इसको क्या बोलेंगे, एल्कीनाइन इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत पाया जाता है एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक क्या होगा, द्विबंध होगा, और साथ में क्या पाया जाएगा, एक त्रिबंध पाया जाएगा। इतने प्रकार के होते हैं हमारे पास कौन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन टोटल कितने प्रकार के होते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन टोटल होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से 6 प्रकार हैं दोस्तों, तो सबसे पहले एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसके बाद दूसरा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। पंकज नूनिया वेलकम भाई साहब, कोई जवाब नहीं है आपका। तीसरा है एल्कीनाइन जिसके अंतर्गत ट्रिपल बॉन्ड होता है। एक होता है एल्का डाईइन जिसमें दो द्विबंध होते हैं। एक होता है एल्का डाईआइन जिसके अंतर्गत दो त्रिबंध होते हैं। एक होता है एल्कीनाइन जिसके अंतर्गत डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अरे कोई बारिश को बंद करो दो, 3 दिन हो गया, रुकी ही कोना। प्रवीण जांगू कहां हो रही है 3 दिन से बारिश यार, हम तो तरस रहे हैं यहां बारिश के लिए। बिल्कुल सही कह रही है सुमित्रा मका, भेज दे जयपुर में भी, बिल्कुल जयपुर में बारिश नहीं हुई है यार, गर्मी से तप रहे हैं यहां तो भाई हम। इन सभी को, ये जो 6 हमारे पास हैं, इन सभी को हम क्या नाम देते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। लेकिन इन्हें एक और भी नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, इन्हें हम एलिफैटिक भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। देखिए तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एलिफैटिक जो है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है। कौन सी भाषा के, ये शब्द आया है ग्रीक भाषा से, और ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है एलेफेटोस। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका नाम क्या है, एलेफेटोस, उस शब्द को कहा जाता है, और इस शब्द का अर्थ होता है वसा। यानी कि इन्हें हमने इनको सबसे पहले कहां से प्राप्त किया था, वसा से प्राप्त किया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, एलिफैटिक कहा जाता है। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इतनी शालीनता से पढ़ाते हो कि जो साइंस नहीं आती उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। सोनल चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पप्पी लोग ज्यादा है जयपुर है, पापी लोग ज्यादा है जयपुर में, कौन सी बारिश। मंजीत सिंह तेरे को हम पापी दिख रहे हैं क्या है। सुमित्रा चौधरी थारा भी पाप धो लेना, मंजीत भाई तू भी आ जा जयपुर, तो जयपुर के अंतर्गत पाप धोने की जगह है।
बखोन घड़ा मत करो। हाँ पढ़ लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद अपन बातें करेंगे। 5 मिनट में छोड़ दूंगा आप लोगों के कमेंट्स के लिए। देन तो मैंने कहा अचक्रीय हाइड्रोकार्बन हो गए 6 प्रकार के, और इन 6 के 6 प्रकारों की विशेषता इनके सामने लिखी हुई है, और इन सभी को हम अचक्रीय बोलते हैं। इसके अलावा इनको एक और भी नाम देते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्यों कहा जाता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन? क्योंकि एलिफैटिक जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है, और उस शब्द का नाम क्या है, एलेफेटोस शब्द होता है। और ये एलेफेटोस जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, वसा से प्राप्त। अर्थात इन यौगिकों को हमने सबसे पहले किससे प्राप्त किया था, वसा से प्राप्त किया था, इसलिए इनको कहा गया एलेफेटोस, नाम दिया गया एलिफैटिक। अब एक एक की बात करेंगे हम, और सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एल्केन की बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे, और हम सबसे पहले पढ़ते हैं एल्केन को। किसको पढ़ते हैं सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एल्केन। इनको एक एक करके पढ़ना है सभी को अपने को। एल्केन की बात करते हैं सबसे पहले। अब इसके नाम में देखो दो शब्द हैं आपको, दो शब्द कौन कौन से हैं, एक शब्द यहां पर है एल्क और एक शब्द यहां पर है एन, एल्क प्लस एन। मैं आपको इतना इजी बना के सिखाऊंगा इसको कि आपको ये तुरंत ही समझ में आ जाएगा। वो देखिए सर, मेरे को आपसे बायोलॉजी पढ़नी है, खास तौर पर पादप वर्ग, क्योंकि आज तक कोई समझा नहीं पाया। साइलेंट लवर, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का आंसर 100% मैं दूंगा, ले ध्यान रख लेना इसको कि एक बार पढ़ने के बाद पादप वर्ग दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एल्क प्लस एन, एल्क का मतलब क्या है, एल्क का मतलब है यहां कार्बन की संख्या, कि इसमें कितने कार्बन होते हैं वो तो है एल्क बोलेंगे उसको तो हम। और एन जो होता है, इस एन को हम बोलते हैं सिंगल बोन, यानी कि कार्बन की संख्या के साथ क्या उपस्थित है, सिंगल बोन उपस्थित है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, एल्केन नाम देते हैं। इन्हें एक और भी नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, यहां तक तो मैंने MEH जयपुर में अजय सिंह शेखावत सर से भी पढ़ लिया, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो फिजिक्स के टीचर हैं भाई मेरे, ये ध्यान रख लेना। तो एल्क प्लस एन कार्बन की संख्या, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। इनको एक और भी नाम दिया जाता है, इन्हें पैराफीन भी कहा जाता है। इन्हें किस नाम से जानते हैं, इन्हें पैराफीन के नाम से जानते हैं। पैराफीन क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि यहां दो शब्द हैं, एक शब्द पैराफीन में एक शब्द होता है पैरम, और एक शब्द होता है एफीन। तो दो शब्द हैं पैराफीन के अंतर्गत, कौन कौन से दो शब्द हैं, एक शब्द है पैरम और एक शब्द है यहां पर एफीन। पैरम का मतलब क्या है दोस्तों, पैरम का मतलब होता है कम या अल्प, पैरम का मतलब होता है कम या फिर उसको अल्प कह सकते हो, और एफीन का मतलब वैसे तो होता है स्नेह, प्यार, लगाव जो होता है वो एफीन कहलाता है, लेकिन यहां एफीन से तात्पर्य जो लिया गया वो लिया गया क्रियाशील, कि ये कम स्नेह करने वाले होते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इसलिए नाम दिया जाता है पैराफीन, ध्यान रखना। तो एल्केन को हम पैराफीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है पैरम, एक शब्द है एफीन। पैरम का मतलब हो गया कम या अल्प, और एफीन का मतलब हो गया स्नेह या क्रियाशील, अर्थात ये कम क्रियाशील होते हैं, कम स्नेह करने वाले होते हैं ये। अब इनके अंतर्गत और क्या क्या विशेषता है, तो एक बात करते हैं हम इनके सामान्य सूत्र के बारे में, कि इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो इनका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला आपको एक सूत्र में लिख के दे रहा हूं, लेकिन उसे याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। जनरल सूत्र क्या है इनका, सी एन एच टू एन प्लस दो। यहां एन का मतलब क्या है, पहले तो ये याद रखो,
एन का मतलब क्या है, एन बराबर है कार्बन की संख्या। एन बराबर क्या है, एन का मतलब है कार्बन की संख्या है, यानी कि जितना एन आप लोगे वो ये एन यहां पे भी, जैसे मैं आपको एक ले लूं तो क्या बन जाएगा, यहां मैंने ले लिया सी एक, यहां क्या हो गया एच दो गुणा एक प्लस दो, तो टोटल क्या आया सी एक और एच आया चार। देखो आप ऐसे सूत्र बना के देखना तो आपको एक तरीका निकल के आएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो एक तो ये हो गया, अब की बार मैंने यहां एन बराबर माना था एक, अब मैं मानता हूं एन बराबर दो, तो देखो एन बराबर दो मांगू तो क्या होगा सी दो एच दो गुणा दो प्लस दो, तो क्या आ गया सी दो और एच आ गया छः, ये आ गया एन बराबर दो के लिए। अगर आप एन बराबर तीन मानोगे तो एन बराबर तीन के लिए देखो क्या आ जाएगा सी एन सी तीन एच तीन गुणा दो प्लस दो, क्या आ गया सी थ्री और एच तीन दूनी छः और दो आठ, ये आ गया एन बराबर तीन के लिए। एन बराबर चार लोगे तो दोस्तों सी फोर एच चार गुणा दो इंटू दो, क्या आ जाएगा सी फोर एच दस। आपको इन सभी सूत्रों से एक बात देखने को मिल रही है, कार्बन एक हाइड्रोजन कितनी चार, यानी कि कार्बन के दुगने से दो ज्यादा, ऐसे याद रखो आप। यहां पर देखो कार्बन कितना है दो, हाइड्रोजन कितनी है छह, यानी कि दुगने से दो ज्यादा। यहां पर देखो कार्बन कितना है तीन, हाइड्रोजन कितनी है तीन दुनी छह और दो आठ, यानी कि दुगने से दो ज्यादा। यहां देखो कार्बन कितना है चार, हाइड्रोजन कितनी है दस, यानी कि दुगने से दो ज्यादा। राहुल सिंह टारगेट लिख रहा है, हमारे लिए अनमोल रत्न हो, मैं तो कॉमर्स से होते हुए भी विज्ञान में रुचि लेकर आपके मार्गदर्शन के माध्यम से अध्ययन कर रहा हूं, पढ़ाने का औचित्य बहुत अच्छा लगा, सफलता पाने का एक ही नियम है खुद पर विश्वास। बिल्कुल सही बात है। सोनल चौधरी किस चीज की पार्टी दे रही हो 12 जुलाई को, तो मुझे बुलाना मत भूलना बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो पार्टियों का इंतजार करता रहता हूं। अब देखिए यहां एक बात ध्यान रखना आपको, ये बात बिल्कुल सही कही है राहुल सिंह ने, कोई भी मास्टर हो, कोई भी बहुत अच्छी कोचिंग हो, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता, आपका सिलेक्शन केवल खुद आप और आप ही करवा सकते हैं। टीचर और कोचिंग आपको पढ़ने का रास्ता बता सकते हैं, आपको पढ़ने के लिए मेटेरियल उपलब्ध करवा सकते हैं, उसके अंतर्गत कोई प्रॉब्लम आ रही हो उसका सॉल्यूशन करवा सकते हैं। मतलब मेरा कहने का कि टीचर और कोचिंग्स जो है वो केवल आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको रास्ता पे चलने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन बेटे चलना आपको है, अर्थात चलने से मतलब यहाँ पढ़ाई आपको करना है, मेहनत आपको करनी है। तो ये मेहनत आप करते रहिए, बाकी हम लोग आपके साथ हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहां पर एक बात याद रखना, इस चीज को आप कैसे याद रखोगे कि इनका सामान्य सूत्र कितना होता है, इस चीज को आप कैसे याद रखोगे, तो इस चीज को आप याद रखो जो कि मैं यहां नोट डाल के लिख देता हूं कि इस चीज को कैसे याद रखना है। तो इस चीज को याद रखने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं कि एल्केन में, किसमें एल्केन में, देखो एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा होती है। ये एक सीधा सा पैटर्न याद रखो, सूत्र याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप इस फॉर्मूले को याद रखो कि जो भी एल्केन होंगी उन एल्केन अंतर्गत हाइड्रोजन की संख्या जो मिलेगी वो कार्बन के दुगने से दो ज्यादा मिलेगी, इस बात का विशेष रूप से याद रखना। तो ये मैंने इसका एक तरीका बताया, अब इसकी और क्या क्या विशेषताएं होती है वो देखो। एल्केन जितनी भी होंगी, स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं आपको, पहले एक बार देख लीजिए। एल्केन आपसे सवाल पूछेगा, एल्केन में कार्बन की संकरण अवस्था पूछेगा वो आपको,
कोई भी एल्केन हो उसमें कार्बन की संकरण अवस्था आपको याद रखनी है, और किसी भी एल्केन में कार्बन की संकरण अवस्था हाइब्रिड स्टेज जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है sp3। sp3 का मतलब क्या है? sp3 का मतलब है कि एक s कक्षक और तीन p कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नए कक्षक का, एक नहीं चार नए कक्षक का, क्योंकि एक s और तीन p। तो sp3 का मतलब हुआ कि एक s और तीन p कक्षक परस्पर मिलकर चार नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है sp3। फिर आगे सवाल पूछेगा कि एल्केन जो होता है, इस एल्केन की ज्यामिति, ज्योमेट्री जो होती है वो एल्केन की कैसी होती है? तो एल्केन की ज्यामिति दोस्तों होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, टेट्रागोनल या टेट्राफेशियल भी आप कह सकते हो कि इसकी जो ज्यामिति होती है वो कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। फिर सवाल पूछेगा एल्केन के अंतर्गत जो बंध कोण होता है उस बंध कोण का मान क्या होता है? तो एल्केन में बंध कोण कितना होता है? तो एल्केन में बंध कोण होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। एल्केन में बंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री और 28 मिनट इसका बंध कोण होता है। उसके पश्चात इसमें पूछेगा आपसे कार्बन कार्बन बंध की लंबाई, तो कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितनी है? कार्बन डैश कार्बन बंध की लंबाई, तो कार्बन कार्बन बंध की लंबाई होती है 154 पिकोमीटर, PM, 154 पिकोमीटर होती है कार्बन कार्बन बंध की लंबाई। और पिकोमीटर का मतलब क्या है? एक पिकोमीटर बराबर किसके होता है? 10^-12 मीटर के। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 10^-12 मीटर के बराबर होता है एक पिकोमीटर जो होता है। और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई कितनी होती है? तो कार्बन हाइड्रोजन बंध की लंबाई देखो, C-H बंध की लंबाई, C-H बंध की लंबाई होती है 112 पिकोमीटर। C-H बंध की लंबाई कितनी होती है? 112 पिकोमीटर होती है C-H बंध की लंबाई। इसकी बंध ऊर्जा कितनी होती है? तो इसकी बंध ऊर्जा होती है 80 किलो कैलोरी जूल प्रति मोल इसकी बंध ऊर्जा होती है। तो बंध ऊर्जा का मान कितना होता है, मैं लिख देता हूं बंध ऊर्जा। ये फैक्ट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी ये इसकी बंद ऊर्जा होती है। अब इसके साथ कितने की होती है तो वो जरूर याद रखना, ये है 1 मोल की प्रति मोल। 80 किलो कैलोरी बंद ऊर्जा होती है जो कितने में होती है, जो होती है 1 मोल की किलो कैलोरी दी हुई है, ये हमें 1 किलो कैलोरी की बंद ऊर्जा दी हुई है। साइंस क्लासेस दीपक पटेल, थैंक यू सोनू, बहुत अच्छा। नरेश मीना, बिल्कुल 80 किलो कैलोरी इसकी बंद ऊर्जा होती है। तो देखो दोस्तों, ये इसकी फैक्ट बातें याद रखनी है आपको कि एल्केन में कार्बन की संकरण अवस्था आपसे पूछेगा, तो संकरण अवस्था कितनी होती है, sp3 इसकी संकरण अवस्था है। आपसे पूछे इसकी ज्यामिति कैसी होती है, तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, आप इसको समचतुष्फलकीय भी बोल सकते हो। बंध कोण कितना होता है, तो बंध कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है। इसमें कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितनी होती है, तो वो है 154 पिकोमीटर और एक पिकोमीटर होता है 10^-12 के बराबर। कार्बन डैश एच बंध की लंबाई कितनी होती है, 112 पिकोमीटर, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध होता है उसकी लंबाई कितनी है, 112 पिकोमीटर। इसमें बंध ऊर्जा कितनी है, तो बंध ऊर्जा का मान है 80 किलो कैलोरी प्रति मोल इसकी बंध ऊर्जा होती है। अब इनके नाम कैसे रखते हैं, तो नाम रखने के लिए देखो सर, मैंने तो आपको ही गुरु मान लिया क्योंकि आप ही मुझे नौकरी के करीब
पहुंचा सकते हो, आप इतने महानों की हताश को भी हंसा सकते हो। क्या बात है साइलेंट लवर, वेरी गुड, मतलब तेरे नाम से मुझको लव होने लग गया है यार। हाँ, तो ये फैक्ट बातें जो आपको याद रखनी है। अब हम इसके नामकरण की बात करते हैं। अच्छा, नामकरण से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने पहले बताया था एल्केन के बारे में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सर हमें पटवार में इतना डीपली नहीं पढ़ाया, उगमा राम ऑफिशियल भैया पटवार में इतना डीप आता ही नहीं है। ये तो मैं आपको पटवार, रीट और आरएएस तीनों के लेवल से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नेक्स्ट पेज का भी। उसके बाद शशि भूषण शर्मा राम राम भैया, राम राम सा राम राम। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, अगला जो है हमारा उसकी बात करते हैं कि इनका नाम कैसे करते हैं। तो नामकरण के लिए देखिए हमारे पास एक संस्था है जिसने हमको नामकरण के कुछ नियम दिए हैं। नामकरण की अगर हम बात करते हैं तो एक संस्था है जिसने हमको इसके नामकरण के नियम दिए हैं, और वो नियम कौन सी संस्था ने दिए हैं, IUPAC। ये एक संस्था है जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंतर्गत कार्य करती है। सर पिछले वाले का स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने, एक बार लगा दो। ये लो बिल्कुल नरेश मीना, पिछले वाला लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट लो। हरफूल सिंह कोलवा सिटी। सर आई लव यू हरफूल। ले लिया स्क्रीनशॉट सर, देखो अब क्या बात है। राकेश मौर्या टॉपिक भी बड़ा छांट के लेके आया है यार। राकेश मौर्या सर बायो का जनन स्वास्थ्य टॉपिक कब पढ़ाओगे, तेरे को बड़ी जल्दी है जनन स्वास्थ्य पढ़ने की, अभी तेरा जनन स्वास्थ्य खराब थोड़ी हो रहा है राकेश। प्रेरणा कुमार कह रही है ट्राइबल मेथड है डेरिविड मेथड IUPAC मेथड, एक होता है रूढ़ नाम, एक होता है व्युत्पन्न नाम और एक होता है IUPAC नाम। लेकिन देखो फिलहाल मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि इस टॉपिक को अपन कॉमन रूप से पढ़ रहे हैं, तो अपन यहां सिर्फ बात करेंगे IUPAC का जो सबसे सरल मेथड जो दिया गया था उसकी बात करेंगे। जब हम इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे RAS, जो इसी क्लास के कंटिन्यू में मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में लेके चल रहा हूं, फिर मैं इसको एक सब्जेक्ट के रूप में लूंगा आगे। तो एक बार तो हम पढ़ रहे हैं इनके सामान्य नाम, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसके IUPAC नामकरण के सभी नियम जितने भी हैं हमारे पास। ठीक है, वो एक अपन बाद में बात करेंगे, फिलहाल एक कॉमन सी बात कर रहा हूं मैं आपको जो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो रीट हो, पटवार हो, RAS हो, कोई भी हो, सभी के लिए आएगा। क्या है तो नामकरण के लिए IUPAC जो थी इसने हमको कुछ नियम दिए हैं। अब ये IUPAC क्या है, IUPAC का पूरा नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन, याद भी होगा, ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम होता है पूरा। हिंदी में क्या नाम है, हिंदी का नाम भी मैं लिख रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध, प्योर का मतलब होता है शुद्ध से भी ज्यादा, शुद्ध को अपन बोलेंगे विशुद्ध, विशुद्ध एवं एप्लाइड का मतलब होता है अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त रसायन संघ, अनुप्रयुक्त रसायन संघ इसको नाम दिया गया। और इसने हमको नामकरण के तीन नियम दिए जो सभी के लिए आप याद रखना, मैं आपको तीनों के लिए कॉमन रूप से बता देता हूं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के लिए, तीनों के लिए कॉमन रूप से बता रहा हूं। क्या है वो देखो एक बार, वीडियो को शेयर नहीं किया है जो लोग बाद में जुड़े हैं वो लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें फटाफट फटाफट। तो अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ उसको नाम दिया गया, और इसने हमें सामान्य रूप से तीन नियम दिए थे। तीन नियम क्या दिए थे, उन नियमों में प्रथम जो नियम है मैं सबसे पहले उसकी बात करता हूं। फर्स्ट नियम क्या दिया था,
फर्स्ट नियम इन्होंने दिया था कि कार्बन की संख्या, क्या दिया इन्होंने, कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न, पूर्व लग्न जिसको आप बोल देते हो प्रेफिक्स, पूर्व लग्न अंग्रेजी में भी लिख देता हूं मैं, प्रेफिक्स इसको कहते हो आप, पूर्व लग्न लिखे जाते हैं। यानी कि जैसी कार्बन की संख्या होगी हर संख्या के आधार पर हमें एक प्रेफिक्स फिक्स करना है और वो लिखा जाएगा सबसे पहले। ये हमको IUPAC ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया था इसमें उन्होंने, प्रेफिक्स कौन कौन से फिक्स किए, तो प्रेफिक्स देखो, अगर वो कहते हैं C1 हो तो हम लिखेंगे उसके लिए मैथ, C2 हो तो क्या लिखेंगे, तो लिखा जाएगा एथ। C2 के लिए क्या लिखेंगे, C2 के लिखेंगे एथ। C3 हो तो क्या लिखेंगे, C3 के लिए लिखेंगे प्रोप। C4 हो तो क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे ब्यूट। C5 हो तो लिखा जाएगा पेंटा, या पेंट भी बोल सकते हो इसको, पेंटा। C6 के लिए लिखा जाएगा हेक्सा। C7 के लिए लिखा जाएगा हेप्टा। C8 के लिए लिखा जाएगा ऑक्टा, ऑक्ट भी कह सकते हो, ऑक्टा भी कह सकते हो। बाद में ये चेंज हो जाता है जब अपन इसके नाम लिखते हैं, तो ये ऑक्ट से क्या बन जाता है, ऑक्टा से क्या बन जाता है, ऑक्ट बन जाता है। तो C8 के लिए लिखेंगे ऑक्टा। C9 के लिए हम लिखते हैं नॉन, और C10 के लिए लिखा जाता है डेका। मतलब कहने का कि ये साइंस की भाषा में साइंस की गिनती हो गई है, साइंस की भाषा में साइंस की क्या हो गई, गिनती हो गई ये साइंस की। तो ये साइंस की गिनती है जो आपको याद रखनी है, और कैसे याद होनी चाहिए, जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद है, ये आपको उसी तरीके से याद होने चाहिए। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोन और डेका, ये हमको IUPAC ने पहला नियम दिया। दूसरे नियम की बात करें तो क्या दिया IUPAC ने, सेकंड नियम हमको दिया, सेकंड नियम, और वो सेकंड नियम IUPAC ने क्या दिया था हमको, IUPAC ने सेकंड नियम दिया बंद के आधार पर। यानी कि जैसा बंद होगा उस बंद के आधार पर, बंद के आधार पर क्या लिखा जाता है, अनुलग्न। अनुलग्न को आप बोलते हो सफिक्स, अनुलग्न सफिक्स लिखा जाता है, और ये सफिक्स क्या होते हैं वो लिखा जाता है। यानी कि बंद को देखोगे और जैसा बंद होगा उसी प्रकार का आप क्या लिखोगे, सफिक्स लिखोगे, और वो सफिक्स कौन कौन से होते हैं तो वो देखिए कौन कौन से हैं। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो कहीं भी, कार्बन कार्बन के बीच कहीं भी आपको कैसा बॉन्ड देखने को मिले, सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, तो इसके लिए सफिक्स होता है एन। क्या होता है, एन एक सफिक्स है जो इसके लिए लिखा जाएगा। अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच क्या देखने को मिले, एक जगह, कम से कम एक जगह तो होना ही होना चाहिए, ज्यादा जगह हो तो अलग बात है, लेकिन एक जगह तो कम से कम होना ही चाहिए, तो फिर आप उसके लिए क्या लिखोगे, फिर आप उसके लिए लिखोगे इन, उसके लिए फिर क्या लिखोगे इन। और अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच किसी स्थान पर कम से कम एक, ज्यादा हो तो बात अलग है, लेकिन कम से कम एक क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर आप उसके लिए क्या लिखोगे, आ इन लिखा जाता है। ये तीन हमने बना लिए सफिक्स, कार्बन की संख्या के आधार पर बना लिया प्रेफिक्स, और हमने बंद के आधार पर बना लिया सफिक्स। अब IUPAC क्या कहती है, IUPAC अब हमको देती है थर्ड नियम, और वो तीसरा नियम क्या कहता है, थर्ड नियम क्या है, वो कहता है कि पहले हम किसको लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे प्रेफिक्स को, और उसके बाद किसको लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे सफिक्स को,
और फिर दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो दोनों को मिलाने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा पूरा नाम। क्या मिल जाएगा? पूरा नाम, कंप्लीट नेम हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया है ये एक जनरली फॉर्मूला है। अगर आपको सब्स्टिट्यूट दिए हुए हो, आपको कार्बन श्रृंखला दी हुई हो, तो फिर उसके अंदर नाम कैसे लिखोगे? तो वो आरपीसी के अलग नियम होते हैं जिनको अपन बेसिक पढ़ने के बाद दोबारा से कंप्लीट करेंगे उनको, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हुई एक जनरल फॉर्मूले में नाम दिए हुए हो तो उनकी। यहां से सवाल क्या पूछे जाते हैं? तो दोस्तों यहां से जो सवाल पूछा जाता है वो कौन कौन से सवाल है वो आप देखिए। अब मैं सवालों की बात करता हूं। एल्केन में से अगर वो प्रश्न पूछेगा तो कौन कौन से प्रश्न पूछता है? सबसे पहला प्रश्न वो आपसे पूछेगा नाम देकर। ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं ये कहां पूछ सकता है? ये प्रश्न वो पूछ सकता है पटवारी में, रीट में और आरएएस प्री के एग्जाम में वो ये पूछ सकता है कि आपको नाम देकर वो उसका सूत्र ज्ञात करवा सकता है। नाम देकर क्या ज्ञात करवा सकता है? सूत्र ज्ञात करना। ये उसका पहला सवाल हो सकता है आपके लिए कि आपको वो नाम दे दे और फिर आपसे क्या पूछे कि इनका सूत्र क्या होता है तो आप कैसे बताओगे। तो देखो मैंने आपको एक सूत्र बता रखा है और वो सूत्र क्या है, CnH2n+2 इसका फॉर्मूला है, जिसको मैंने याद करने का दूसरा पैटर्न भी बताया कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब आपको नाम दे दिया, उसने नाम दे दिया आपको जैसे ब्यूटेन नाम दे दिया। अब आपको इसका सूत्र ज्ञात करना है, तो सूत्र ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद कर दो, मतलब इसे दो भागों में तोड़ दो। दो भागों में तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक तो बन गया ब्यूट और एक क्या बन गया, एन। एक तो बन गया ब्यूट और एक क्या बन गया, एन। दो यहां से संधि विच्छेद में से दो निकल गए, एक तो हो गया ब्यूट और एक हो गया एन, ब्यूट। अब ब्यूट क्या होता है वो आप देखो, मैंने लिख रखा है आपको ब्यूट क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है ये रहा ब्यूट C4, C4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे हम। यानी कि यहां कार्बन की संख्या क्या हो गई, तो ब्यूट का मतलब तो हो गया C4, ब्यूट का मतलब तो क्या हो गया, C4। हाँ बिल्कुल, जवाब भी दे दिया लोगों ने तो वेरी गुड बात, क्या बात है, सभी लोगों ने तो उत्तर भी दे दिया है इसका। जिनको भी आता है, जिनको भी तरीका मालूम है, उन्होंने इसका आंसर दे दिया, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम वो देख लो एक बार। ब्यूट का मतलब 4 और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्ड आए वहां पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है CnH2n+2, और फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, C4H2×4+2 कितना आ गया, C4H10। वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आ गया C4H10। आप फॉर्मूले को नहीं लगाओगे तो भी आंसर आ सकता है, क्योंकि मैंने कह रखा है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होती है। आपको यहां पता चल गया, आपको यहां पता चल गया कि क्या है एन, आपको पता चल गया यहां पे कि क्या है एन, और एन का मतलब मैंने फॉर्मूला बताया C4H10, और या फिर एन का मतलब बताया CnH2n+2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला याद रखो आप, तो कि कार्बन जो होगा हाइड्रोजन की संख्या उस कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा होगी। तो आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। जैसे देखो मैं आपको लिख देता हूं प्रोपेन, प्रोपेन मैंने आपको लिख दिया। अब इसका संधि विच्छेद कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा क्या है, प्रोप प्लस एन। एक शब्द बना प्रोप और एक शब्द क्या बना, एन। प्रोप का मतलब C3 और एन का मतलब, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और दोस्तों जहां सिंगल बॉन्ड आ जाए वहां हाइड्रोजन कितनी होगी, कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा। तो कार्बन कितना है, कार्बन तो है 3, हाइड्रोजन कितनी होगी, इसका दुगना, दुगना कितना हो गया 3×2 = 6, उससे 2 ज्यादा, मतलब कि H8। ये लीजिए, बिना फॉर्मूले के भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको लिख के दे देता हूं कि वो आपको लिख के दे देता है हेक्सेन।
आंसर दो फटाफट क्या आएगा इसका, जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे दो इसका फटाफट क्या आएगा हेक्सेन का। सबका आना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में आंसर, एक सिंगल भी नहीं छूटना चाहिए। राहुल सिंह टारगेट चौकी लागे सू, फटाफट लिखो, एक का भी कमेंट छूटना चाहिए। मैंने लिखा है हेक्सेन, जल्दी से आंसर दो इसका। C6H14 पदमवीर सिंह डिल्लन, आरजे सिंह C6H14, मुनेश कुमार C6H14, फटाफट। अब सुमित्रा आंसर नहीं देगी, सुमित्रा तो बस केवल यहां बातें करने आती है। रश्मि काला सैनी C6H14, सुरेश कुमार फटाफट फटाफट, अरे वेरी गुड, सुमित्रा का आ गया आंसर भाई C6H14, फटाफट क्या बात है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है हेक्स प्लस एन, हेक्स का मतलब 6, इसका मतलब सभी को क्लियर है, हेक्स का मतलब 6, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड आते ही C6, और हाइड्रोजन कितनी, इसके दुगने से दो ज्यादा, दुगना 6 × 12 और उससे दो ज्यादा H14। ये होता है दोस्तों पहला तरीका। जो पहला सवाल वो आपसे पूछेगा वो है कि आपको नाम देकर सूत्र पूछेगा। दूसरा सवाल इसका उल्टा कर दो, दूसरा सवाल क्या कहता है, सूत्र देकर नाम पूछना। सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड प्रश्न वो आपसे पूछेगा वो है सूत्र देकर नाम पूछना, और ये तो और भी इजी है, सूत्र देकर क्या करना, नाम पूछना। आपको वो ही केवल एक सूत्र याद होना चाहिए बस, कौन सा सूत्र, CnH2n+2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको कि एन के लिए ये काम में आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख देता हूं, सूत्र दे दिया उसने C5H12, बताओ क्या है C5H12। नहीं, सुमित्रा को साइंस आती है, सुमित्रा मुझसे ही पढ़ी हुई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता उसको साइंस नहीं आती हो। तो फटाफट नाम बोलो इसका, C5H12 का नाम फटाफट दीजिए। विशाल बोरा पोपीन, क्या लिख रहा है ये विशाल बोरा, पेंटन। पदमवीर सिंह ई लगाना भूल गया। प्रेरणा कुमावत पेंटीन लिख रही है, ये इंग्लिश लिखने में गलती कर रहे हो, देखो ई एन ई, मैंने कहा था एन, एन होगा तो लास्ट में आएगा ए एन ई, आप इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हो। कुछ लोग इन, इन के जितनी भी होंगी उनके लास्ट में आएगा ई एन ई, और कुछ लोग इसके नाम के अंत में ई एन ई लगा रहे हैं, इसका मतलब वो गलत हो गया तुम्हारा। हाँ, पेंटेन रेखा चौधरी का बिल्कुल सही है, और आइन जब होगा तो अंग्रेजी में याद रखो, आइन जब होगा तो लास्ट में आएगा वाई एन ई, ये तीन चीजें हैं आपके सामने। तो यहां कार्बन कितने, 5, 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंट, और हाइड्रोजन काउंट करो कितनी है, 12, 12 हाइड्रोजन का मतलब कार्बन का दुगना, दुगना कितना हो गया, 5 × 10, उससे दो ज्यादा, दो ज्यादा का मतलब कौन हो गया, दो ज्यादा का मतलब हो गया एल्केन। जहां दो ज्यादा हो जाए वहां कौन हो जाएगा, एल्केन, और एल्केन है तो नाम में क्या लगेगा, एन, और नाम हो जाएगा पेंटेन। अंग्रेजी में क्या लिखोगे, अंग्रेजी में लिखोगे PENTANE, लास्ट में आएगा ANE, पेंटेन, ये आएगा इसका। आपको एक और नाम दे देता हूं मैं, आपको नाम दे दिया C10H22, C10H22, फटाफट नाम लिखो। प्रवीण जांगू फटाफट लिख रहा है, वेरी गुड, फटाफट C10H22, पेंटेन 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 पेंटेन, अरे अब भैया C10H22 आ गया यार, राजकिशोर टेलर बालक होशियार है, हां बिल्कुल राहुल सिंह बालक होशियार है एकम, डेकेन बिल्कुल सही है, डेकेन एकदम, मंजी तेरा खुद का गलत है, वेरी गुड, इसका मतलब खुद छांटने लग गए, इसका मतलब आप लोगों को हो रहा है, डेकेन डेकेन एन लग गया लास्ट के अंतर्गत। यह हो गया इसका दूसरा सवाल, और दोस्तों इसका तीसरा सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है,
प्रश्न नंबर तीन क्या होगा इसका वो देखो, क्वेश्चन नंबर तीन। और क्वेश्चन नंबर तीन है, इसमें एक सवाल पूछता है सिग्मा और पाई बंद, लेकिन ये हो नहीं पाएगा, घड़ी कह रही है कि टाइम हो चुका है, तो अपन बात करेंगे इसकी कल में। मैं एक बार आप लोगों के कमेंट्स पढ़ देता हूं फटाफट फटाफट, वैसे कमेंट्स में फिलहाल कुछ है नहीं, तो आप लोगों का दिया हुआ है बस, केवल नाम ही दिए हुए हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए एक सरप्राइज है, ध्यान रखना बहुत कठिन होता है। इसमें वो आपसे पूछता है सिग्मा, और एक होते हैं पाई बंद, सिग्मा व पाई बंद, या तो पूछेगा इनकी संख्या, या तो वो क्या पूछेगा इसकी संख्या, संख्या नहीं पूछेगा तो इनका पूछेगा अनुपात, जैसे कि पिछले बार एलडीसी में और पटवारी में पूछा गया था, तो सॉरी रीट में, एलडीसी में और रीट में पूछा गया था, इनकी संख्या पूछेगा, इनकी संख्या नहीं पूछेगा तो इनका अनुपात पूछेगा। पंकज दुनिया लिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर के कमेंट्स दिखाना, बस बस ज्यादा नीचे, हाँ बस बस, पंकज दुनिया जी लिख रहे हैं बिना शिक्षा के कॉमन सेंस होना शिक्षा प्राप्त करने से करके भी कॉमन सेंस ना होने से हजार गुना बेहतर है। बिल्कुल सही बात है यार नुनिया जी, कहां से लाते हो ये बातें आप, इतनी पता नहीं। विजय सोरान स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ये लो यहां से स्क्रीनशॉट लेना है आपको, नहीं सेकंड नियम हो गया था, यहां से लेना है आपको स्क्रीनशॉट, नाम देकर सूत्र ज्ञात करना, फटाफट लिखो। साइंस क्लासेस दीपक पटेल सर, आज मेरा बर्थडे है, पार्टी है, आप इनवाइट है यार, पार्टी का एड्रेस तो बता यार भैया। संतुष्ट जीवन सफल जीवन से सदैव श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता सदैव दूसरों के द्वारा आकलित होती है, जबकि संतुष्टि स्वयं के मन और मस्तिष्क द्वारा। वेरी गुड, देख लिया सिल्फा सिग्मा एल्फा बीटा पार्श्वबंध पाई में होता है। विशाल बोरा बिल्कुल सही कहा, शानदार सेशन गुरुजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। मंजीत स्पेलिंग देख, अरे किसकी स्पेलिंग देखवा रहा है तू यहाँ पे, अमेजिंग सेशन सर। पंकज नूनिया, सुमित्रा मैडम जी, प्रवीण जांगू, ऑल बाय बाय, जब तक छोड़ोगे तब तक तोड़ेंगे। जब तक छोड़ोगे तब तक तोड़ेंगे नहीं, यस जब तक छोड़ोगे तब तक तोड़ेंगे नहीं, सर यह नारा रहेगा विद्यार्थियों के लिए, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ऊपर गया यार, अरे नीचे कर, बस तब तक तोड़ेंगे नहीं हूं सर, राम 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 राम। झूठ बोले इसका पता ही कितनी झूठ है, अच्छा ये झूठ बोलता है, वेलकम है आपका, बहुत बहुत अच्छी बात है, वेलकम है आपका। और ये जो कह रहा है भैया साइंस क्लासेस, पार्टी का एड्रेस सेंड कर, पक्का आऊंगा यार, टेंशन ही मत लेना। और देखो कुछ लोग ऐसे आते हैं कमेंट्स बॉक्स के अंतर्गत, जैसे मैं पिछली क्लास में देख रहा था ज्योग्राफी की में, कि वो आते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता है, पता नहीं कहां से फर्जी आईडी बना के ले आते हैं, उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो आप, ऐसे लोगों से सावधान रहो, आप खुद लोग उनका जवाब दे सकते हो। जय हिंद जय भारत, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।